नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जहां विंडो का जब सरफेस अनइवन रहता है वहां विंडो कैसे फिक्स करते हैं, उसके साथ ही मॉस्किटो नेट का रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, जैसे पुराना नेट निकाल के नया नेट कैसे बिठाते हैं। बहुत जगह पुराने घरों में जैसे MS का विंडो रहता है, ग्रिल रहता है, तो वहाँ ग्रेनाइट का या फिर बेस नहीं रहता, तो वहाँ ये स्लाइडिंग विंडो कैसे बैठाते हैं इसका हम एक प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए एक स्क्वायर पाइप, 1 इंच बाय 4 इंच का स्क्वायर पाइप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो विंडो को सपोर्टिंग रहे। तो उस हिसाब से ये खिड़की देख रहे हैं, इसमें आप देखिए पुराना खिड़की है, बाहर से ग्रिल है और यहाँ ग्रेनाइट बेस भी नहीं है। तो उसके लिए कि सबसे पहले पुराना विंडो है तो उसका ग्लास का ही निकाल के रखा है, इस पर मॉस्किटो नेट से रिप्लेस करना है तो पुराना नेट निकाल रहे हैं और नया नेट बैठाना है। ये स्क्वायर पाइप का सराउंडिंग देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका बेस नहीं है, सपोर्टिंग के लिए स्क्वायर पाइप। ये 1x4 का स्क्वायर पाइप है एल्यूमिनियम का, इसको पाउडर कोटिंग किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये स्क्वायर पाइप का सराउंडिंग विंडो में लगा देते हैं और उसके बाद इसके अंदर वो विंडो फिक्स करते हैं। ये देखिए स्क्वायर पाइप जोड़ने का काम चालू है। ये बिना तोड़फोड़ किए ये करना है, इसलिए ये स्क्वायर पाइप का ऑप्शन है। अदरवाइज आप इसके बेस को तोड़ करके वहाँ फिर से ग्रेनाइट लगा के फिर स्लाइडिंग विंडो बैठा सकते हैं, लेकिन बहुत लोग चाहते हैं कि वह तोड़फोड़ ना किए वैसे ही एंडो विंडो बैठाया जाए और साइड बाहर का जो ग्रिल या पुराना खिड़की का जो MS का ग्रिल वगैरह है वो वैसा ही रहे, इसलिए ये ऑप्शन बहुत ही बेहतर है। ये आप इधर देख सकते हैं पूरा ये फ्रेम, पुराना विंडो का फ्रेम है, या अभी उधर लगा के चेक कर रहे हैं। ये उसके साइज़ के हिसाब से ये स्क्वायर पाइप का मेजरमेंट लेके उसको बनाया जाता है, स्क्वायर पाइप का फ्रेम, और फिर उसके अंदर विंडो फिक्स करते हैं। अब ये स्क्वायर पाइप का पूरा ड्रिलिंग करके ये स्क्वायर पाइप लंबे बड़े वाले नेल्स उसमें लगाते हैं और दीवार में फिक्स करते हैं। इसका ड्रिलिंग आप देख रहे हैं इधर, चारों साइड में ऊपर और नीचे ये ड्रिल करके उसमें नेल्स या फिर बड़े स्क्रू बैठा देते हैं। ये देखिए एक ऐसे फिक्स कर रहे हैं इसको। अभी ये पुराना जो पैनल का मॉस्किटो नेट रिप्लेस करना है उसका मेश निकाला हुआ है और ये नया वाला स्टेनलेस स्टील का मेश है, SS304 ग्रेड का है, ये इसमें बैठा रहे हैं। इसमें जो एल्यूमिनियम का फ्रेम या फिर जो स्क्वायर पर बैठा गया है वो 18 गेज का एल्यूमिनियम का है। और ये मेश स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का है। इसका सराउंडिंग जो है वो अच्छा ही है, इसलिए उसको रिप्लेस नहीं किया, सिर्फ मेश ही रिप्लेस कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं बेयरिंग भी चेंज किया है, बेयरिंग पुराना निकाल के नया बेयरिंग बैठा रहे हैं क्योंकि खिड़की काफ़ी पुराना हो चुका था और उसमें बेयरिंग ठीक से काम नहीं कर रहा था। विंडो का फंक्शनिंग मेनली बेयरिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है, अगर बेयरिंग खराब हुआ तो विंडो मूवमेंट करने में बहुत तकलीफ आती है, मुझे प्रॉपर जल्दी स्लाइड नहीं होता है, फिर एक जगह अटक जाता है। ये नया बेयरिंग आप देख सकते हैं,
ये मस्कोटिनेट इसमें फिक्सिंग करके स्क्रू करके उसको पूरा प्रॉपरली टाइट किया जा रहा है। ये जितना हो सके स्ट्रेट और टाइट रखते हैं ताकि बीच में बेंड ना हो। ज़्यादातर पुराने घरों में एमएस की खिड़कियाँ रहती है, तो वहाँ स्लाइडिंग खिड़कियाँ नहीं रहती थी, तो इसलिए ये उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है ताकि आप स्क्वायर पाइप लगा करके उसको इसमें स्लाइडिंग विंडो फिक्स कर सकते हैं। और पीछे का जो भी पुराना विंडो का लोहे का ग्रिल है या फिर जो रॉड्स है वो एज इट इज़ आप रख सकते हैं। इसमें तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बाहर का जो ये आप रॉड देखते हैं पुराने खिड़की का जो भी लोहे का है वो एज अ ग्रिल इसमें काम कर सकता है। ये देखिए अभी विंडो फिक्सिंग का ये काम चल रहा है, इसमें पूरा ड्रिल करके उसके अंदर स्क्रू बैठाते हैं। ये देखिए ऊपर में और नीचे ये दो साइड दोनों के, फिर दूसरे साइड में दो साइड, फिर टॉप में भी बैठाते हैं। ये देखिए और ये बॉटम में ये जो स्क्वायर पाइप है उसको फिक्स कर रहे हैं। ये स्क्वायर पाइप बैठाते समय ये ध्यान में रखना है वो विंडो के एकदम एज पे ना आए, थोड़ा नीचे आ जाए। अगर एज पे आए तो विंडो का साइड टूटने का चांस रहता है, थोड़ा नीचे आए तो उसको ग्रिप मिलता है। ये देखिए इसमें भी ग्लास पैनल बैठाया गया है। ये देखिए ऊपर ऑफ फिक्सिंग का काम चल रहा है, अभी फिक्स कर रहे हैं। ये फ्रेम फिक्स करने के बाद में ये दोनों ग्लास पैनल और मॉस्किटो नेट पैनल उसमें बैठा था और उसके साथ उसके बाद में ये ऊपर और नीचे स्क्रू फिटिंग करके उसको प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं। ये देखिए अभी ऊपर के साइड में स्क्रू लगा के उसको फिट कर फिक्स कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। देखिए ये ऊपर में भी स्क्रू लगाना उतना ही इम्पोर्टेंट है ताकि विंडो पोजीशन में बराबर रहे। स्क्वायर पाइप एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है जहां आपका ग्रेनाइट बेस नहीं है, उसके लिए थोड़ा वो दीवार से आगे आ सकता है आपसे, ये आप देख सकते हैं इधर, बट बिना तोड़फोड़ के ये अच्छा ऑप्शन है। ये अब देख सकते हैं फिक्स करने के बाद में ये पूरा पैनल कैसे मूव हो रहा है, नया बेयरिंग लगाने की वजह से इसका मूवमेंट एकदम फास्ट हुआ है। तो इस हिसाब से स्क्वायर पाइप पहले फिट करना है, उसके बाद में उसमें विंडो लगाना है। और पीछे आपको पुराना विंडो का ये सब ग्रिप देख सकते हैं आप। और ये फिक्स करने के बाद में इसमें जो गैप्स वगैरह जॉइंट्स रहते हैं उसमें पूरा सिलिकॉन भरा जाता है। सिलिकॉन भरने के बाद में ये पूरा टाइट हो जाता है, पूरा गैप भर जाता है। और उसको फिनिशिंग भी आता है, ये आप देख सकते हैं पूरा काम होने के बाद में विंडो कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।